हाइड्रोकार्बन से कर देते हैं, ठीक ना। हाइड्रोकार्बन हम लोग किसको बताए थे कि हाइड्रोजन और कार्बन का कम्बिनेशन होगा, कोई भी कंपाउंड जिसमें कि एटलीस्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन शुड बी देयर, ठीक है। अदर एलिमेंट मे बी देयर बट हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये दो एलिमेंट का होना जरूरी है, ठीक है। तो मेनली कहेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ जो कंपाउंड है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जो अब हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी बना दिया गया है, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को हम लोग क्या नाम देंगे, एलिफाइटिक, ठीक है, एलिफाइटिक कंपाउंड बनेगा। और दूसरा है तुम्हारा साइक्लिक। ओपन चेन या जिसको हम लोग एलिफाइटिक कह रहे हैं, इसको हम लोग दो अलग कैटेगरी बनाएंगे, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड करके। सेचुरेटेड को हम लोग जैसे अल्केन्स हो गया, सेचुरेटेड कैटेगरी में हमारा अल्केन्स आ जाएगा, अनसेचुरेटेड में हमारा अल्कीन और एल्काइन्स होगा, ठीक है। सेचुरेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा, यानी कि ऑल द इसका जो भी बॉन्ड है हमारा, इलेक्ट्रॉन जो है चार इलेक्ट्रॉन कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो चारों इलेक्ट्रॉनों का शेयर हो जाता है, ठीक ना। यानी इस वजह से इसको हम लोग सेचुरेटेड कहेंगे। इसको एक और नाम दिया गया पैराफिन्स, ठीक है। अनसेचुरेटेड में हमारा अल्किन्स, जिसको ओलफिन्स भी कहेंगे, और एल्काइंस हो गया। सबका फॉर्मूला ले देख लो, CnH2n+2 किसका, अल्केन्स का, अल्कीन का CnH2n, अल्काइंस का CnH2n-2। अब आ जाओ साइक्लिक में, याद करते चलोगे। साइक्लिक या जिसको क्लोज बोल रहे हैं, इसमें तुम्हारा एली साइक्लिक को एरोमेटिक बोल रहे हैं। एरोमेटिक नाम में क्या है कि एरोमा से बना है, एरोमा मतलब स्मेल। तो इसमें जो भी कंपाउंड आएगा उसमें कुछ ना कुछ स्मेल होगा, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, परफ्यूम हो गया, ये सब इसी में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब इसको डिफाइन किया है एलिफैटिक का हाइड्रोकार्बन किसको कहेंगे, तो द वर्ड एलिफैटिक इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एली फर, जिसका मतलब ही होता है फैट, ठीक है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स वेयर नेम्ड सो बिकॉज दे वेयर डेराइव्ड फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल्स। इसको हम लोग एलिफैटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किससे बना है, तो फैट और ऑयल से बना है, याद रहेगा। हाइड्रोकार्बन कैन बी असाइक्लिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन को असाइक्लिक भी कहेंगे, अभी ना देखे, साइक्लिक और असाइक्लिक। तो ये तुम्हारा असाइक्लिक है, एलिफैटिक का मतलब असाइक्लिक, यानी ओपन चेन, विच आर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड, जो कि एकदम सीधा चेन होगा, या फिर साइक्लिक कंपाउंड होगा विच हैव रिंग्स ऑफ कार्बन एटम। अगर वो यही साइक्लिक के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, रिंग के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एरोमेटिक, तो द वर्ड एरोमा है ना, जिसका मतलब ही होता है फ्रेग्रेंस, उसी से ये इसका नाम दिया गया है एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, है ना, इसके अंदर स्मेल है, मतलब इसका जो करेक्ट पहचानने का रहेगा तो स्मेल से पता चल जाएगा कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। स्ट्रक्चरली दे इंक्लूड बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब इसका एग्जाम्पल में तुम्हारे पास बेंजीन आता है, या इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब इसी से रिलेटेड, मतलब इसी से बना हुआ दूसरा दूसरा कंपाउंड, ठीक है। तो बेंजीन याद रखना हमको। द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ऊपर भी हम देख चुके हैं। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। सैचुरेटेड उसको बोलेंगे जिसमें कि कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ वो अटैच रहेगा, लिंक्ड रहेगा। वेयर इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर देयर, है ना, वहां डबल भी बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, समझे। सैचुरेटेड को बार बार हम बोल रहे हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलेंगे जिसमें कि तुम्हारा सिंगल बॉन्ड हो, है ना, कार्बन का जो एटम्स है वो सिंगल बॉन्ड से तुम्हारा लिंक्ड रहेगा। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड रह सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, क्लियर। अब देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फिर हम इंडिविजुअली देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट सैचुरेटेड में तो सिर्फ अल्केन्स आएगा, है ना, अल्केन्स। अब अल्केन्स जो यहाँ नाम हम लोग दिए, ठीक ना, तो इसका जनरल फॉर्मूला पूछेगा। देखो जनरल फॉर्मूला, कॉमन नेम, सब अलग अलग नाम, ठीक ना। तो जो हम बताएंगे उसी को तुमको याद रखना होगा, इसमें हमको दिमाग नहीं लगाना, सीधा रट लेना है। अल्केन्स है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ठीक है, जहां एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके।
इनका वैल्यू अगर 1 दोगे तो तुम्हारा CH4 बनेगा, इनका वैल्यू 2 दे दोगे तो तुम्हारा C2H6 हो जाएगा, दैट इज इथेन उसको बोलेंगे, है ना। नाम भी तुम्हारा देखो सफिक्स दिया हुआ AN ही लग जाएगा। हम बताए थे कि कार्बन का जिसमें एक होगा उसको मिथ बोलते हैं, 2 रहेगा तो इथ बोलते हैं, 3 रहेगा तो प्रोप बोलते हैं, 4 रहेगा तो ब्यूट बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके हमारा ऑर्डर चलता है। और चूंकि ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है तो इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, तो AN। तो देखो फर्स्ट वाला लोगो तो क्या होगा, मिथेन। C2H6 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इथेन। इसी तरह से तीसरा हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे ऐसे करके चलेगा मेरा। तो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें तुम्हारा क्या होगा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन्स का सिर्फ अभी बता रहा है। एंड दीज वेयर अर्लियर नेम्ड एज पैराफिन। इसको हम अर्लियर नाम क्या, पैराफिन भी बोले ना। पैराफिन का मतलब होता है अफिनिटी, है ना। अफिनिटी मैंने कोई चीज को बांधना, ठीक है, बंधन एक तरह से। एंड ड्यू टू देयर लास्ट केमिकल रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू आयु पैक सिस्टम दीज आर नेम्ड एज अल्केन्स। आयु पैक सिस्टम में इसका नाम दिया गया अल्केन्स। आयु पैक पर हम आगे भी आएंगे, है ना। आयु पैक सिस्टम क्या होता है वो बताएंगे। अल्केन समझ गया। तो देखो ANE वर्ड जो लिखा ना यहाँ पे, ANE सफिक्स हो गया विथ रूट वर्ड। देखो रूट वर्ड तुम्हारा अल्केन के साथ मिलकर के ये अल्केन्स बना। अब हम लोग सेचुरेटेड तो एक ही था, खत्म। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। तो अनसेचुरेटेड दीज आर द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स, ठीक ना। अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, तो इसमें वो हाइड्रोकार्बन होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। देयर मॉलिक्यूल्स दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। और ये अनसेचुरेटेड में ही हमारा अल्कीन आएगा और एल्काइंस आएगा, क्लियर। अल्कीन्स में आ जाओ तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा, CnH2n। सफिक्स क्या होगा, तो ENE। द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग एटलीस्ट वन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखो चूंकि अल्कीन हम पढ़ रहे हैं अभी ना, तो अल्कीन में हम क्या बताए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर छोटा से लेकर बड़ा बड़ा भी अगर कंपाउंड बनेगा तो खास करके कम से कम एक भी जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में एक जगह भी कम से कम डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी उसको हम लोग अल्कीन कहेंगे, याद हो रहा है। दे हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n। CnH2n क्या हुआ इसका, तो ये उसका जनरल फॉर्मूला होगा। इसी पे वैल्यू अगर 1 2 3 करके तुम बनाओगे तो हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला सी का वैल्यू अगर 1 देंगे तो क्या होगा, CH2 हो जाएगा ना, लेकिन CH2 में चलेगा नहीं चलेगा। एल्कीन ग्रुप का सबसे पहला कंपाउंड क्या होता है, अगर C1 करके करोगे तो देखो 1 करोगे तो CH2 होगा, तो CH2 का मतलब क्या हो गया, कार्बन एक हाइड्रोजन दो, तो दो को क्या रहेगा, अधूरा रह जाएगा ना, इसलिए पहला नहीं होगा। C2 करके चल सकते हो, इनका वैल्यू 2 करके चलोगे तो यहाँ पे अगर वैल्यू देगा तो C2H4 हो जाएगा ना जी। तो C2H4 जब हो जाएगा तो वो तुम्हारा, उसको क्या बोलते हैं, एथीन बोलते हैं, क्योंकि सेकंड C2 का मतलब क्या, इथेन, इथेन ग्रुप का। तो तुम्हारा चूंकि एल्किन ना है इसका सफिक्स, तो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ठीक है। अब दे वेर प्रीवियसली कॉल्ड ऑल्फिन्स, ठीक है। ऑल्फिन बताया कि ये किससे बना, तो ऑयल से बना है। बिकॉज द लोअर गैसेस मेंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन। जब इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो तुम्हारा ऑयली प्रोडक्ट बनाएगा। आयुपैक सिस्टम में आ जाओ। द नेम ऑफ अल्कीन इज डिराइव्ड फ्रॉम डिराइव्ड बाय रिप्लेसिंग सफिक्स ANE। ANE जो लगा रहे थे इसके पहले वाले, है ना, अल्केन में ANE लग रहा था ना सफिक्स, लेकिन जब यहाँ पे चूंकि हम अल्कीन की बात कर रहे हैं तो ANE सफिक्स को हटा करके हम लोग ENE लगाएंगे उसके ठीक कोरोस्पॉन्डिंग, है ना, उसके जगह पे ENE लग गया। ये हो गया आयुपैक सिस्टम के अनुसार, ठीक है। अब देखो CH3 CH3, तो देख क्या हो रहा है, ये इथेन है, इसी का अगर बनाना रहेगा तो क्या कर दिया, एथीन हो गया, अगर डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक ना। इसका तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी डायग्राम बना सकते हो, है ना, कलम बता चुके हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो द पोजिशन ऑफ द डबल बॉन्ड दैट कैन बी इंडिकेटेड बाय असाइनिंग 1 2 3 4 दिस पे, है ना। मैंने आगे का जैसे जैसे तुम्हारा कंपाउंड बनाने का रहेगा तो तुम इनका वैल्यू बढ़ाते चले चल जाओगे तो आगे तक कंपाउंड मिलते चल जाएगा ना। जैसे यहाँ देखो CH2 CH2 डबल बॉन्ड बना हुआ है, पहला है इसको एथिलीन बोलेंगे, आयुपैक में इसी को बोलते हैं एथीन, है ना। ये कॉमन नाम हो गया हम लोग का बोलचाल की भाषा के लिए।
और एथीन हो गया मेरा आईयूपैक नेम। अब आ जाओ CH3CH, अब देखो यहाँ पे कार्बन कितना, दो ना है इसमें, देखो एक दो तीन कार्बन, तीन हो गया, तीन कार्बन का मतलब प्रोपिलीन, प्रोपिलीन ठीक है, तीन का मतलब प्रोप ठीक ना, और चूंकि एल्कीन है इसलिए ई नहीं लगेगा तो प्रोपिलीन हो गया, और आयुपैक सिस्टम में क्या चलता है, प्रोप के साथ ई नहीं जुटता, प्रोपीन हो गया। उसी तरह से यहाँ देखो CH3CH2CH2 था, देखो कार्बन 1 2 3 4 4 है ना, और देखो यहाँ अल्फा ब्यूटिलीन क्यों लिख रहा है मालूम है, अगर यहाँ से तुम्हारा स्ट्रेट चलता है ना तो अल्फा बोलते हैं ठीक है, अल्फा भी बोल सकते हो या एन करके भी लिख सकते हो नॉर्मल ठीक है, अगर स्ट्रेट है तो तुम इसको एन ब्यूटिलीन भी लिख सकते हो या अल्फा ब्यूटिलीन लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख दिया ब्यूट 1 ENE ठीक ना, ये कैसे होगा तो ये आयुपैक सिस्टम अभी जस्ट हम पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ठीक है, यहाँ तो जो लिख दिया वो देख लेना। तो ऐसे से करके तुम्हारा अल्किन्स वगैरह हो गया। अल्काइन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका सफिक्स क्या होगा तो बाय, तो दिक्कत है। हाइड्रोकार्बन, अब पूछेगा कि अल्काइन्स का डिफिनेशन अगर पूछा जाएगा तो वैसा हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, पूछेगा तुम्हारा अल्कीन का डिफिनेशन पूछेगा तो द हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड शुड बी देयर, है ना, कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलते हैं एल्कीन। देखो इसका भी डिफिनेशन हो रहा है, अल्केन का भी डिफिनेशन हो रहा है, नहीं लिख लेगा है, तो तुम एक लाइन डिफिनेशन देना, दूसरा लाइन में क्या लिखोगे, इसका जनरल फॉर्मूला दिस 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 है ना, इसका कमिंग, इसका सफिक्स क्या होता है तो ए नहीं लगा देंगे ठीक ना, मतलब ए नहीं को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे, बाई ए नहीं लगाएंगे है ना, अल्केन अल्कीन और एल्काइन ठीक ना। इसी तरह से तुम और आगे का ऑर्डर अगर लेके चलोगे तो इन हायर मेंबर द पोजीशन और ट्रिपल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय गिविंग 1 2 3 4 5, ऐसे कर करके तुम आगे तक लेके चल सकते हो। अब एग्जांपल में बात करते हैं, अल्काइन हो गया तो देखो CH है, इसे डॉट स्ट्रक्चर समझ सकता है ना, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए इसको क्या बोले एसिटिलीन, ये कॉमन नाम हुआ, लेकिन यहाँ के हिसाब से चलेंगे तो देखो कार्बन दो को है, कार्बन दो, दो का मतलब इथ, और चूंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल का मतलब आयन लगता है तो इथाइन हो गया, समझा, कार्बन का नंबर काउंट करो तो इथ हो गया ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन होता है तो मिथाइन हो गया, डबल बॉन्ड होता है तो क्या होगा इथिन हो जाता है, सिंगल बॉन्ड रहता है क्या होगा इथेन हो जाता है, होता कि नहीं, कार्बन का नंबर काउंट करो और बॉन्ड को चेक करो है ना, दो चीज से तुम्हारा ये क्लियर होते जा रहा है कि नहीं, ये तुम्हारा आयुपैक नेम हो गया कि नहीं। अब धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेटेड आएगा तो और देखना, इसमें आ जाओ CH3CH और एक ये, तो एक CH3 का मतलब क्या होगा मिथेन हो गया जी है, यहाँ पे देखो इसको बोल रहे हैं मिथाइल, मिथाइल क्यों बोल रहे हैं क्योंकि CH3 है, ट्रिपल बॉन्ड है ठीक ना, और कार्बन जोड़ोगे टोटल तो कितना होगा तीन हो रहा है तो प्रोपाइन हो रहा है मेरा ठीक ना, आयन देखो कार्बन तीन का मतलब प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आयन तो प्रोपाइन ठीक है, और ये जो नाम दिया गया मिथाइल एसिटिलीन, ये चूंकि CH3 के लिए मिथाइल वर्ड यूज करेंगे ठीक है, यहां तक तो तुम्हारा एसिटिलीन है ही है ना, CH के बीच में ट्रिपल, देखो यहां तक के तुम्हारा क्या है ये चीज ना है, एगो एच इसमें जुट जाएगा तो तुम्हारा एसिटिलीन हो गया, मिथाइल एसिटिलीन कहेंगे। उस तरह से ये देखो अब एगो यहाँ एक यहाँ, दो दो को अगर लग गया तो डाई मिथाइल चलता, दो के लिए डाई ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्लियर, क्या क्या हुआ सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड अल्केन अल्कीन एल्काइन क्लियर। अब हमारे पास है होमोलोगस सीरीज, ए व्हाट इज हैपनिंग देयर, तू बैठेगा सीधा, मीनिंग पूछ रहा है, तुम मैथ बना रही हो, वाह देखो इधर होमोलोगस सीरीज में हम क्या बताए थे, सो ए होमोलोगस सीरीज इज ए ग्रुप और ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय ए CH2 ग्रुप, यानी इस होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के उस ग्रुप को बोलते हैं है ना, एक ही तरह का होना चाहिए, ग्रुप कब कहते हैं है?
अगर एक ही क्लास का 10 बच्चा हो गया तो उसको ग्रुप बोलोगे ना जी, और उसमें अगर 10 गो बच्चा है, 2 गो 6 का है, 2 गो 9 का है, 2 गो 10 का है, तो उसको ग्रुप कहोगे। तो यहाँ ग्रुप कहने का मतलब कि एक ही टाइप का होना चाहिए। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर विल बी व्हाट, एक जैसा सिमिलर होना चाहिए, एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो इट विल बी सिमिलर, है ना, ये भी सिमिलर होगा, और एक दूसरे कंपाउंड के बीच का जो डिफरेंस होना दैट शुड बी CH2। क्लियर, हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो ये होना चाहिए, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब देखो इसका और भी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आ जाओ। इच मेंबर ऑफ द सीरीज डिफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग और सक्सेडिंग मेंबर, मतलब आगे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, है ना, जैसे 1 2 3, तो ऊपर वाला जैसे 2 वाला जो होगा वो 1 से CH2 का अंतर में रहेगा कि नहीं, और 2 और 3 के बीच में भी CH2 का अंतर रहेगा कि नहीं, तो ऐसे से करके चलेगा, या तो CH2, और अगर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाए तो दोनों में देखो सी का होता 12 और इसका होता 1, तो 12 दू 14 ग्राम, यानी कि एक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड के बीच का जो वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना होगा, 14 ग्राम। इसको चेक करना है तो देखो चेक करते हैं लोग, जैसे ये मेरे पास क्या है CH4 हो गया, ये मेरा क्या है जी मिथेन, इसका अगर मोलिकुलर मास निकाल रहे हम लोग क्या होता है, कार्बन का 12 प्लस 4 × 1 दैट इज 12 प्लस 4, यानी कितना होगा 12 4 CH4 ना है, हाँ ये तो चलो ठीक है 16 ग्राम हो गया ना। ठीक है, अब दूसरा जो लेते हैं वो मेरा क्या लेंगे, अब इसके ठीक बाद क्या होगा C2H6 ना होगा, वो दोनों में CH2 का अंतर है, इसको निकाल दो तो कितना होगा 2 × 12 और प्लस 6 × 1 12 2 ना 24, 24 प्लस 6 = 30, 16 4 30 के बीच में कितना का अंतर है, कितना का 14, कितना का 14 ग्राम का, है ना। तो यहाँ यही चीज ना लिख रहा है कि दो कंपाउंड के बीच का अगर कंपाउंड में चला जाए तो CH2 का डिफरेंस होगा, और मास के पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाए तो 14 AMU का हो, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट का हो या ग्राम का हो, एक ही चीज है, सबका अलग अलग नाम है, कितना ग्राम लिखो या AMU लिखो सब वही भाई है। ठीक है, इसी तरह से आगे भी चलोगे तो यही चीज होगा तुम्हारा। तो ये तो देख लिए, दो पूरा एक सीरीज है, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के बीच का डिफरेंस मेरा कितना है CH2 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेरा मास के पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाए तो दो दो कंपाउंड के बीच का डिफरेंस 14। क्लियर, अब देखो ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कंटेन सेम एलिमेंट एंड द सेम फंक्शनल ग्रुप, और होमोलोगस कह रहे हैं इसलिए क्योंकि देखो हमको अगर लिखने का रहेगा CH3OH, C2H5OH, है ना, C3H7OH, यानी कि जो जो ग्रुप होगा उस सब का फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, इट शुड बी सेम ना, है ना, अगर OH है तो सब में OH हो, है ना, अगर फॉर्मिक एसिड का अगर तुम्हारा एसिटिक और भी दूसरा अगर कीटोन वगैरह का फॉर्म अगर इसमें फंक्शनल अगर यूज हो रहा है तो वो भी सेम रहेगा, तभी ना कहेंगे उसको होमोलोगस। तो यहाँ देखो सेम फंक्शनल ग्रुप शुड बी देयर, ऑल मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैव सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला देखो सेम है कि नहीं, सेम का मतलब इसी में थोड़ा सा हल्का फुल्का अंतर है जी, है देखा जाए तो देखो सेम का मतलब ये दोनों के बीच भी CH2 का ही अंतर तुमको मिलेगा। ठीक ना, द मेंबर्स इन होमोलोगस सीरीज शो ए रेगुलर ग्रेडेशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज आर आल्सो सिमिलर। अब देखो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा इसका भी वही होगा, इसका भी होगा, है ना, होगा कि नहीं, क्योंकि देखो सब अल्कोहल का है तो सब अल्कोहल हो गया। अब आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इट हेल्प टू प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सीरीज दैट आर एट टू बी प्रिपेयर्ड, जो अभी तक है वो और आने वाला भी कंपाउंड है, तो इसको फॉर्मूला लेके जब चलेंगे तो उसका प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, इन जैसा रहेगा, यानी पहले से भी उस नए कंपाउंड का हम प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, है ना, खासियत ये किससे हुआ तो होमोलोगस सीरीज के कारण। दूसरा, नॉलेज ऑफ होमोलोगस सीरीज गिव्स ए सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मेंबर्स, होमोलोगस सीरीज से क्या हो गया कि एकदम सिस्टमेटिकली हमको स्टडी करने में सुविधा हो गया कि नहीं हो गया। अगर होमोलोगस सीरीज के कोई चर्चे नहीं करें तो तुमको कैसे पता चलेगा कि ये दोनों का गुण एक सेम है, फिर इसको अलग पढ़ना पड़ेगा, इसको अलग पढ़ना पड़ेगा, तब ना कंपेयर करोगे तो लगे हाँ दोनों एक ही जैसा चीज है,
लेकिन जैसे ही अगर तुमको होमोलोगस सीरीज के अगर पांच गो एग्जाम्पल दे दिए, है ना, इस ग्रुप का पांच कंपाउंड है, तो एक गो के बारे में पढ़ लिए तो समझो कि सबके बारे में पढ़ लिए, है ना। तो ये सब होमोलोगस सीरीज से ही ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, अब आ जाओ। द नेचर ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली कैन बी असर्टेन्ड इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट मेंबर आर नोन। आ गया ना, अगर इस ग्रुप में अगर 10 गो कंपाउंड है, किसी भी एक के बारे में पढ़ लिए तो समझो कि 10ों के बारे में हम पढ़ लिए। ठीक है, अब देखो फंक्शनल ग्रुप में आ जाओ। फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो इट मे बी डिफाइंड एज एन एटम, ये ग्रुप ऑफ एटम, या इसको कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द लार्ज कंपाउंड। नहीं, तो ये तुम्हारा कंपाउंड हो गया, तो इसमें तुम्हारा ये OH जो हुआ, ये मेरा क्या होगा, एटम का ग्रुप हुआ ना जी, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ठीक ना, ये सब हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा शॉर्ट में हम भागेंगे। ठीक ना, कल ही ने देखे थे। तो इट मे बी डिफाइंड एज एन आइटम और ए ग्रुप ऑफ आइटम्स और रिएक्टिव पार्ट्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स, है ना। ये अल्कोहल का ये जो हम फॉर्मल फंक्शनल ग्रुप जो लिए, इसी के कारण सबका प्रॉपर्टीज ना सेम हो रहा है जी, है। जिस फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लिए तो समझो कि टोटल कंपाउंड के अंदर वही नेचर होगा, वही कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अब देखो ग्रुप में कौन कौन है मेरे पास, एक हो गया अल्कोहल हो गया। ठीक ना, अल्कोहल के लिए देखो क्या चलता है, तो कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग OH, यानी ये जो कंपाउंड, इसको क्या बोलो, कार्बन कंपाउंड पढ़ रहे हैं हम, जो भी कंपाउंड के बारे में यहाँ जब पढ़ रहे हैं सब कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बन कंपाउंड कह दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह दो, या हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। ठीक ना, तीनों तरह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अल्कोहल तुम्हारे कार्बन कंपाउंड का ही है, जिसमें तुम्हारा OH ग्रुप क्या रहेगा, अटैच रहेगा किससे, तो अल्काइल ग्रुप में। जैसे इसके साथ जुड़ गया तो ये कौन कहलाएगा, अल्काइल ग्रुप कहलाएगा। कंप्लीटेड सबका, देख कॉपी तो देखने का जरूरत नहीं है, लिख लेने के बाद इन्हें उन्हें तकेगा, बन गया ना टोटल, अच्छा से देख ले सब लोग। लोग हुआ, तो देखो OH ग्रुप ये याद रखना, लिखने का तरीका भी देख लो। OH अगर ग्रुप लिख रहा है ना, तो वैसे ही लिखना एकदम सिंगल। ठीक है, तो OH ग्रुप अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप, जैसे सब में देखो लगा हुआ है। ठीक ना, जब इसका डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करोगे ना, तो OH अलग करके लिखते हैं, जैसे भी हम बता चुके हैं। फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल का अगर पूछेगा तो ROH करके लिखना, ऐसे करके। ठीक है, अब बताओगे कि R क्या है, तो R तुम्हारा क्या होगा, ये CH3C2H5 यही सब ना होगा, यानी R इज एन अल्काइल ग्रुप एंड OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ये सब देख चुके हैं। अब देखो आयुपैक नेम जब करेंगे अल्कोहल का, तो उसमें ई के जगह जो हम लोग लिखते हैं ना अल्केन, तो अल्केन में लास्ट वाला ई को हटा करके क्या लग जाता है, ओएल यूज होता है ना। जैसे अल्केन करते हैं तो सफिक्स यूज करते हैं ANE, लेकिन जैसे उसमें अगर OH जुट गया, है ना, किसी भी अल्काइल ग्रुप में अगर OH जुट जाता है, तो ई के जगह पे अब वो क्या हो जाएगा, ओएल हो जाएगा, यानी अल्केनॉल हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल एक कॉमन नाम दे दिया गया अल्केनॉल। बाकी तुम देखो कि कार्बन का संख्या कितना अगर है, अगर एक है तो उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, है ना। तो CH3OH जब हो गया तो इसको मिथाइल अल्कोहल का हो गया, ऐसे कॉमन नेम। लेकिन आयुपैक नेम की बात करेंगे तो CH3 का मतलब मीथेन हो गया, है ना। CH3 को क्या बोलेंगे, मीथेन। अब मेथेन में भी तुम्हारा ऑयल लग गया तो मेथेनॉल। उसी तरह से सेकंड वाला तुम्हारा हो गया कितना, एक दो दो कार्बन है, इसको बोलेंगे इथेन, इसको बोलेंगे एथेनॉल। कॉमन नेम की बात करेंगे तो क्या बोलोगे, इसको बोलेंगे हम लोग इथाइल अल्कोहल, इसको बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से मिथाइल इथाइल प्रोपाइल चलता है। यहाँ देखो CH3CH2CH2OH, यहाँ तक देखो CH2, तो देखो 1 2 3, तीन कार्बन का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन, है ना। तो एन वाला को ही बन बोलते हैं। ठीक ना, दो तरह के बताए थे ना कि अगर सिंगल, अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, सिंगल सिंगल अगर स्ट्रेट चेन हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल, जो भी कंपाउंड है कंपाउंड का नाम दे दो, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको यहाँ पे जब लिखेंगे आयुपैक में जब लिखते हैं ना, तो 1 2 करके लिखा जाता है, समझे। ये हम देख लेंगे कैसे नाम देंगे जो। ठीक है, तो 1 प्रोपेनॉल बोलोगे, और जब जैसे ही ब्रांच नीचे चला जाता है तो क्या बोलते हैं,
आइसो लग जाता है, अगर सीधे चलते जा रहा है तो उसको नॉर्मल, और यहाँ लिखेंगे वन करके, यहाँ पे तुम्हारा आइसो इसको बोलेंगे टू फोर टू प्रोपेनॉल, इस तरह से तुम्हारा आगे तक चलेगा। एल्डिहाइड का बताओ, एल्डिहाइड कार्बन का वो कंपाउंड है दैट कंटेन सी एच ओ ग्रुप, है ना, आ जाओ कितना बज रहा है बुआ, हाँ तो फ्रॉम 9 to 3 PM एल्डिहाइड का याद रहेगा सी एच ओ, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी तुम्हारा ये सब पूछते रहता है, ठीक ना, अल्कोहल के लिए ओ एच, एल्डिहाइड के लिए सी एच ओ, ठीक ना, लिखो कैसे, तो आर सी एच ओ, फिर आर इज द अल्काइल ग्रुप एंड सी एच ओ इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसमें चेंज जब आईयूपैक नाम जब दिया जाता है तो कैसे करेंगे, तो देखो कॉमन नाम जैसे एस सी एच ओ का फॉर्मल्डिहाइड, आईयूपैक नेम अगर बात करेंगे तो क्या होगा, सी वन तो बोलते हैं मिथेन, तो मिथेन में क्या लग गया, ए एल इसमें जुटता है, अंतर है ना, ओ एल इसके पहले वाला में क्या था, ओ एल को ओ एल लगा रहे थे, इसमें तुम्हारा क्या होगा ए एल लगता है, ये थोड़ा सा अंतर है ना। तो इस तरह से मेथेनॉल है ना, ये तुम्हारा एस्टल्डिहाइड, तो फॉर्मल डिहाइड एस्टल डिहाइड प्रोपेनल डिहाइड ब्यूट्रा ब्यूटायरल डिहाइड ऐसे करेंगे, लेकिन हमको आईयूपैक पे ज्यादा फोकस करना है, मेथेनॉल एथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल ऐसे। अब आ जाओ कीटोन्स, कीटोन्स ये सब के सब कार्बन कंपाउंड्स हैं, स्टेटमेंट वही ना होगा, सिर्फ यही वाला चेंज हो रहा है जी। तो कीटोन्स आर आल्सो द कार्बन कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बोनिल, यानी सीओ ग्रुप अटैच टू टू अल्काइल, इसमें ध्यान रहे कि दो गो अल्काइल रहेगा, तो दो गो अल्काइल का मतलब इधर भी आर इधर भी आर होगा, है ना, वेयर आर इज द अल्काइल ग्रुप एंड सीओ इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसका जब आयुपैक नोमेनक्लेचर जब करेंगे, आयुपैक में जब नाम देंगे, तो देखो यहाँ हम लोग मिथेन से ना चलते आ रहे हैं, अल्केन से ना चलते आ रहे हैं, तो अल्केन में ई के जगह क्या हो जाएगा, ओ एन ई, यानी अल्केनोन, ठीक है। यहाँ देखो अल्केन तो अल्केनल, उसमें अल्केन तो अल्केनॉल, है ना, अल्कोहल में अल्केनॉल, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एल्डिहाइड में अल्केनल, और कीटोन में क्या हो रहा है तो अल्केनोन, और चौथा है हमारे पास देखो इस तरह से CH3COCH3, बोले ना कि दोनों साइड में लगा हुआ रहेगा, CO रहेगा तो दोनों साइड में, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, डाई मिथाइल कीटोन बोलेंगे, डाई मिथाइल इसलिए क्योंकि दोनों तरफ है, ठीक ना, तो डाई मिथाइल कीटोन, इसको एसीटोन भी बोलते हैं। अभी एसीटोन का एग्जाम्पल बताते हैं, नेल पॉलिश देखे हो लगाती है, तो हनी लड़का मनोजरी लगाता है, हमको मालूम है, नेल पॉलिश लगाता है कि नहीं, नहीं प्रिया लकी लगाया था, तो नेल पॉलिश में जो है देखता है कैसा लगता है, ठंडा लगता है, क्या है वो एसीटोन है, ठीक है। प्रोपेनोन CH3CO, अब देखो ये दोनों साइड में है ना, वो आप देखो CH3 इधर क्या हो रहा है, जोड़ोगे तो क्या होगा, CH C2H5 हो जाएगा ना, तो इधर CH3 को मिथाइल बोल रहे हैं, C2H5 को इथाइल बोलेंगे, उसी तरह से ना अल्काइल नंबर हो जाता है, तो मिथाइल इथाइल कीटोन, यहाँ जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनोन, क्यों ब्यूटेनोन दे दिया, क्योंकि एक दो तीन चार गुना हो रहा है, तो ब्यूट है ना ब्यूटेनोन, इतना तक करते करते काफी हद तक तुमको नोमेनक्लेचर भी क्लियर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है, बाकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड के लिए आ जाता हूँ है। अब यहाँ देखो सेम चीज अगर दोनों साइड में रहेगा तो क्या बोला, डाई इथाइल कीटोन, इसे देखो मिथाइल था, इथाइल मिथाइल कर रहे थे, इसको डाई मिथाइल इथाइल कीटोन हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाओ, C OH, ठीक ना, तुम कैसे याद करना तुम सोच लो, ठीक ना, COH था वो, तो क्या बोल रहे थे, एल्डिहाइड ना, CHO में एल्डिहाइड, ये देखो ये ऑर्डर को आगे पीछे, जब तुम जब बनाओगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो CHO होना चाहिए, लेटर आगे पीछे भी चलता है, ठीक है, लेकिन लिखने के लिए CHO लिखेंगे। सेम चीज यहाँ पे है हमारा, किसमें, कहाँ जी, COOH कार्बोक्सिलिक, ठीक है, इसमें ये वो कंपाउंड होगा जिसमें कि ये ग्रुप अटैच टू हाइड्रोजन एटम और अल्काइल ग्रुप, इसमें देखो COOH किसके साथ जुड़ा हो रहा सकता,
हाइड्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है या फिर कोई अल्काइल ग्रुप के साथ, जैसे एच के साथ जुड़ा तो बनेगा, या सी एच सी, बाकी तो अल्काइल, यहाँ से तो अल्काइल से शुरू हो जाएगा, तो यानी दोनों में किसी के साथ भी ज्वाइन कर सकता है। जनरल फॉर्मूला विल बी आर सी डबल ओ एच, जहाँ आर का मतलब हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और या तो आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, अल्को हाइड्रोजन भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, होगा ना, क्लियर। सी डबल ओ एच इज द फंक्शनल ग्रुप, तो हो गया। नाम कैसे रखोगे, तो उसमें अल्केन के जगह अल्केनोइक है ना, अब उसी सबसे तरह से अगर मिथेन आएगा तो मिथेनोइक है ना, इथेन आएगा इथेनोइक, ऐसे चलेगा एसिड, ठीक है ना। अब एग्जांपल पे आते हैं, एच सबसे पहला है, एच सी डबल ओ एच, यहां तक तो तुम्हारा क्या है जी, फंक्शनल ग्रुप ना, हो गया। तो इसको हम लोग क्या देते हैं, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड किसमें मिलता है मालूम है, फॉर्मिक एसिड का बताओ एग्जाम्पल, फॉर्मिक एसिड किसमें रहता है, हाँ याद रहेगा, जो चीज थोड़ा सा कॉमन चीज है ना उसको याद भी रखोगे, ठीक है। तो अंट वाइट जब करता है ना, जो जो पूरा फूल जाता है, स्वेलिंग टाइप का हो जाता है, वो क्या है, वो फॉर्मिक एसिड के वजह से हो रहा है। इसका आयुपाएक नाम मेथेनोइक एसिड हो गया। एसिटिक एसिड किसमें रहता है, विनेजर होता है ना, है जामुन का सिरका, उसमें एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, ये एथेनोइक एसिड है, ये सब थोड़ा सा बीक एसिड है, ये सब पढ़ चुके हम लोग। फिर देखो एथेनोइक क्यों कह रहा है मालूम है, दो को कार्बन है, यहाँ पर एक दो तीन कार्बन, इसलिए प्रोपेनोइक एसिड बोल रहे हैं, चार है इसलिए ब्यूटेनोइक बोल रहे हैं, यहाँ एन ब्यूटिक क्यों बोल रहा है, चूंकि यह तुम्हारा स्ट्रेट चेन है, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म बताए थे कि कार्बन का वो कंपाउंड्स होता है, या कार्बन कंपाउंड्स को हो या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हो, विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दैट कैन शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी द सेम बट द स्ट्रक्चर विल बी द डिफरेंट, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर विल बी द डिफरेंट एंड प्रॉपर्टीज विल बी ऑल्सो डिफरेंट, ठीक ना। स्ट्रक्चर अलग हो जाने से प्रॉपर्टीज भी अलग होगा, एंड दिस फेनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, और जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे हम लोग आइसोमर्स। अब यहाँ देखो नाम, दो को अरेंजमेंट है, ये जो दिया वो 1 2 3 4, चार कार्बन हाइड्रोजन, ये हो गया स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा ब्यूटेन का है, इसी को हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन बोल रहे थे, और जैसे ये तुम्हारा ब्रांच हो गया तो ये तुम्हारा ब्रांच चेन को हम लोग बोलेंगे आइसोमर कहो, ठीक ना, आइसोमर कह सकते हो या फिर आइसो ब्यूटेन कह सकते हो, समझ गए ना। आइसो वर्ड कब बोलेंगे, जैसे ही चेन नीचे चला जाएगा। अब तुम्हारा नोमेन क्लेचर में आ जाओ, नोमेन क्लेचर कैसे करेंगे, तो जनरली द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन, कार्बन चेन ही क्या था अपने करेंगे, क्या क्या है वो देख लो, प्रीफिक्स होगा, सफिक्स होगा। देखो प्रीफिक्स मालूम है कि आगे लगता है कि पीछे, आगे लगता है, सफिक्स मतलब पीछे, ये दोनों को यूज करके बनाया जाता है, स्टेप वाइज देखो दिखा रहा है, ठीक ना, पहले यहां से भी समझ लेंगे, दिक्कत होगा तो बुक का भी हेल्प लेंगे, ठीक ना। सबसे पहला स्टेप क्या करा मेरा, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, अब तक हम देख रहे थे क्या कर रहे थे, जिसका भी आयुपाएक नेम यहाँ रखा रहा है तो सबसे पहला काम क्या हो रहा था, क्योंकि लिख दोगे जब काउंट करोगे तभी ना लिखोगे जी मिथेनोइक या एथेनोइक है, तो सबसे पहला काम है यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, मिला लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी काउंटेड इन द गिवन कंपाउंड, देन राइट द रूट वर्ड, उसका रूट वर्ड को उठाओ, है ना, रूट वर्ड किसको बोलते हैं, कार्बन वन का वैल्यू, उसका रूट वर्ड क्या हो, मिथ, कार्बन टू का मतलब उसका रूट, ये रूट वर्ड हुआ इथ प्रोप, ये जो है ना ये सब रूट वर्ड है, या कार्बन के नंबर से उसका हमको रूट वर्ड पता चल गया, है ना। अब देखो इस तरह से यहाँ पे 10 का 5 को 10 को जो भी दिया हुआ रहता है नंबर ऑफ कार्बन, देखो 6 रहेगा, देखो 5 तक का यहाँ है, 10 तक का यहाँ हो गया, ठीक ना, है ना, ये हमको याद होना चाहिए, 4 5 तक भी याद रखोगे तो चलेगा। तो पहले यहाँ से नंबर काउंट करके हम लोग रूट वर्ड निकाल दिए। अब आ जाओ प्रीफिक्स एंड सफिक्स ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सब फंक्शनल, चारे को तो फंक्शनल ग्रुप है हमारा भी, है ना, तो चार को याद करना कोई बड़ी बात नहीं। अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या होता है, ओएल, एल्डिहाइड के लिए एल, कीटोन के लिए ONe1, कार्बोक्सिलिक के लिए क्या चलता है OIC, एक हैलोजन याद रख लो, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा है, हैलोजन
हेलोजन के लिए चाहता है क्लोरो। हेलोजन का मतलब होगा कि सबके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक ना, तो 7-7 को लास्ट में रहता है, इसलिए उसको मेंडलिक का ये पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे ना, तो उसका वो हेलोजन का को ग्रुप पे बना दिया गया, सारा एक जगह मिल जाएगा, ठीक ना। तो हेलोजन का मतलब क्या समझना, क्लोरो ब्लोरो, तो इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होगा, क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयडो, ऐसे करके चलता है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा हो गया क्या फंक्शनल ग्रुप, और एक एग्जाम्पल भी दे दिया है। जैसे देखियो C3H7OH है, हुआ कार्बन 3 का मतलब क्या हो गया, प्रोपेन। देखिए प्रोपेन कर दिया, देखो ई प्लस ओएल कर दिया, ओएच है तो ओएल लग गया ना, इसको जोड़ करके क्या लिख दिया, प्रोपेनॉल, कोई दिक्कत है। ये देखो एल लगा हुआ है, तो देखो एल का क्या होता है, CHO ना होता है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप मेरा क्या है CH3, तो CH3, लेकिन काउंट करेंगे तो क्या वो कार्बन 2 ना हो रहा, तो इथेन बोलेंगे। ई को ना हटाना है, ई को रिप्लेस करेंगे किस में, एल में, एल में, तो क्या हो जाएगा एथेनल, कोई दिक्कत है इसमें। अब आ जाओ कीटोन, ओ एन ई बन जुड़ता है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। तो दोनों तरफ जब कीटोन में क्या होता है, दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप रहेगा, तो इसको क्या कहोगे, प्रोपेन प्लस 1, ई को रिमूव करके तो प्रोपेनॉन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड अगर तुम्हारा ओ आई सी होता है सफिक्स, तो जैसे ही सी डबल ओ एच जुट गया, तो कार्बन पहले काउंट करो 2 हो रहा, तो 2 के लिए क्या चलता है, इथेन, तो इथेनोइक है ना एसिड, ठीक है। प्रीफिक्स क्लोरो ब्लो, देखो CH3Cl को क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन, ठीक ना। अगर आता C2H5Cl तो क्या लिखते, क्लोरोइथेन। यहाँ देखो C2H5Br है तो क्या लिख रहे हैं, ब्रोमोइथेन, को दिक्कत है? है इस तरह से Br का जगह अगर I लिखा रहता तो क्या लिखते, आयोडो इथेन, आयोडो मिथेन, ऐसे चलता, कोई दिक्कत है? अब आ जाओ डबल बॉन्ड में, आ जाओ सफिक्स ENE, देखो अल्किन्स, तो देखो डबल बॉन्ड इस तरह से बना दिया प्रोपीन करके, 2 तक यहाँ कर दिया, बाकी बचा तो उसको डबल बॉन्ड करके बना दिया, कोई भारी चीज नहीं है, समझ गया ना, करोगे ना तो हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन के लिए ये स्ट्रक्चर बना दिया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। फिलहाल उतना पर, वो तो पहला स्टेप करके इतना समझा दिया, तो समझने शिक्षक आ चुके थे पहले, बनाओ बिफोर बिफोर आई रीच द स्कूल, स्कूल पहुंचने के पहले मैंने स्कूल कौन पहुंचा, हम ही ना पहुंचे जी। स्टेप 2 में आओ, कार्बन के हिसाब से काउंट करके कर लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इफ द कंपाउंड इज सैचुरेटेड, अब आ जाओ हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, सैचुरेटेड रहेगा तो ए नहीं जुटते हैं, अनसेचुरेटेड रहता आता है, अगर डबल बॉन्ड है तो ये नहीं जुड़ता है, ट्रिपल रहता तो आई वाई ये नहीं चलता है, ये सब पकड़ लेना। तो ये सब क्या रूट वर्ड हो गया, ठीक ना। ये तो ENE, कब ENE लगाएंगे, कब ENE लगाएंगे, कब वाई नहीं लगाएंगे, वो सिंगल डबल ट्रिपल के आधार पे लगा लोगे। अब ये एग्जाम्पल ले लो, CH3CH2CH3 है, इसका नाम बताने का रहा है, तो देखो यहाँ पे कार्बन पहले काउंट करना है ना, कितना हो गया कार्बन 3, तो 3 के लिए क्या चलता है, रूट वर्ड प्रॉप, ठीक है। अब देखो इट कंटेन्स ओनली सिंगल, सिंगल बॉन्ड ही हो रहा है सब जगह, ठीक ना, तो सिंगल बॉन्ड है, प्रोप हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में क्या लिखते हैं, ए नहीं लिखते हैं, तो इसको क्या बोलोगे, प्रोपेन, है ना। फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं, फंक्शनल ग्रुप रहता था ना, अगर ओ एच लगा रहता तो प्रोपेनॉल कर देते, सीएल लगा रहता तो क्लोरो प्रोपेन कर देते, क्लोरो आगे लगता है, क्लोरो ब्रोमो प्रोफिक्स ना है, आगे लगता है, कोई दिक्कत है? अब देखो CH2 की जगह CH3, यहाँ जो है C2H5 भी लिख सकते हो, तो तुम उसी हिसाब से नाम चेंज हो जाएगा। अब देखो एक और कंपाउंड CH3CH2, इसको क्या लिख रहा है, प्रोपीन लिख रहा है, काहे की, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड बना हुआ है, फोटो में देखो पहले कार्बन काउंट किया तो 3 हो रहा है, 3 का मतलब प्रोप, डबल बॉन्ड है तो ENE, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो गया ना। दो स्टेप करके समझ भी गए। तीसरा स्टेप में क्या, अगर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो इट इज इंडिकेटेड बाय एडिंग इट्स सफिक्स विच आर गिवन इन द टेबल। आइसो और नियो कब लगाएंगे, जो हम बोल रहे थे ना नॉर्मल या नियो, तो आइसो नियो कब रिप्रेजेंट करेगा, जब 1 और 2 कार्बन एटम्स कम एटम्स रेस्पेक्टिवली एज साइड चेन, अगर साइड में चेन बन रहा है ना, साइड का मतलब क्या है, ऊपर या नीचे अगर चल रहा था, साइड में चेन बन रहा है, तो साइड के चेन में तुम्हारा आइसो लगता है, देखो है ना, रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ 1 और 2 कार्बन एटम्स, ये एक या दो कार्बन एटम को साइड चेन से रिप्रेजेंट करेगा, तब ये करेंगे।
इफ द फंक्शनल ग्रुप इज नेम्ड ए सफिक्स द फाइनल ई ऑफ एल्किन एल्किन और एल्काइन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एप्रोप्रिएट सफिक्स इफ द फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट एट फर्स्ट कार्बन देन देयर लोकेशन इज इंडिकेटेड बाय डिजिट 1, 2, 3। ठीक है, इस तरह से भी करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ नामकरण करना है, नाम भी करेंगे तो किधर से शुरू करेंगे मालूम है? इसको देखो बुआ, पहला काम कार्बन को काउंट करना, ठीक ना? कार्बन के गो है चार गो, ठीक ना? चार गो है ना, तो अगर इस तरह से आता, तुम देखो चैन इधर भी बन रहा उधर भी बन रहा, साइड चैन बन रहा है ना, तो जिधर साइड चैन होता है ना, ये जो कार्बन 1, 2, 3, 4 जो काउंट कर रहा है ना, वो देखना किधर चेन बन रहा है नजदीक में, नजदीक इधर से है तो इधर से 1, 2, 3 काउंट किया, अगर ये चेन इधर बनता तो इधर से काउंट करते, ये भी एक नियम है, समझ गए? तो इस आधार पे देखो क्या हो रहा है, देखो 2-methyl-butene क्यों कर रहा है, क्योंकि 2 ब्रांच किसमें है तुम्हारा, 2 पर ना है, तो इसलिए 2 लगा दिया, ठीक है? और यहाँ क्या है, मिथाइल ना है, CH3 का मतलब मिथाइल, तो 2-methyl, और देखो कार्बन कितना, 4, 4 का मतलब ब्यूट, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन नाम रखा, ठीक है? अब ये जो CH या CH3 है, अगर ये रहता तुम्हारा यहाँ ऐसे गिरा जरूर, लेकिन C2H5 रहता तो 2-ethyl-butene कर देते, समझा? तो अब देखो इसका एग्जांपल इसमें आ जाओ, इस सब के साथ तुम्हारा क्या है स्टेट है ना, इसको न्यू कर दिया और कार्बन के हिसाब से पेंटेन कर दिया, है ना? कार्बन के 2, 4, 5 पेंट हो गया है ना, और एनी के जगह एनी ही रखा क्योंकि अल्केन है, सिंगल चेन है ना, तो पेंटेन हो गया, कर लिए। कल तुम लोग टेस्ट दे देना, ठीक है? कल आने में बनेगा, देख लेना, अगर गाड़ी अगर आ जाएगा तो टेस्ट, नहीं आया तो रेस्ट। प्रॉपर वे में पूरा देख लेके आना। तो इतना समझ चुके, ठीक है? अब थोड़ा सा अपने से बुक देख लो और देख करके थोड़ा सा सबको सॉल्व करो। तुमको इतना करने के बाद क्या समझना है, फंक्शनल ग्रुप एकदम पकड़ बन जाना चाहिए, है ना? नोमेनक्लेचर में पकड़ बन जाना चाहिए, कम से कम आसान आसान वाला, बाकी हम कुछ आगे सब टेढ़ा मेढ़ा वाला जो है ना आगे फिर करेंगे, ठीक है? जावे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ो। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे पता करेंगे।